आज हम बेल का शरबत बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बेल लिया है, ये बेलपत्र हम शिवजी पे भी चढ़ाते हैं, और ये इसका शेल जो होता है ना, इसका जो छिलका होता है बहुत हार्ड होता है, तो इसे मैं तोड़ के और फिर निकालूँगी। और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये तोड़ने के बाद बहुत ही मुलायम होता है ये, और इससे मैं इसके बीजों में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और इसे मैं चम्मच से निकालूंगी एक बर्तन में। तो ये मैंने सारा अंदर से निकाल लिया है और इसे हाथों से मच लूँगी, और हाथ मैंने अच्छे से साबुन से धो लिए हैं, और फिर मैं इसे हाथ से मैश कर रही हूँ। इसे अच्छे से मैश करने के बाद इसमें से बीज निकल जाएंगे और जो इसमें रेशे होंगे वो भी निकल जाएंगे। ये बेल का शरबत पीने में बहुत ही हेल्थी है, जिसको कब्ज की परेशानी रहती है या जिसके पेट में गर्मी रहती है, उसे ये बेल का शरबत पीने से पेट में ठंडक मिलती है और पेट की काफ़ी सारी समस्याओं का भी समाधान इस शरबत से होता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके बीज और इसके जो रेशे हैं वो अलग हो जाएंगे। और फिर हम मैंने अभी एक गिलास पानी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया है, और फिर मैं इसे छानूंगी। पहले तो मैं इसके रेशे और बीज निकाल के साइड पर रख दूंगी, और जिसको कब्ज़ की परेशानी हो वो सुबह खाली पेट इसे ले सकता है, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो भी बेल का शरबत पी सकते हैं, मगर बिना चीनी के। हम इसमें थोड़ी सी मिठास के लिए चीनी डालेंगे, और वैसे तो ये मीठा होता है, मगर इसमें हम पानी डालेंगे और थोड़ा पतला करेंगे तो इसमें मिठास कम हो जाती है, और डायबिटीज़ के पेशेंट इसे बिना चीनी के पी सकते हैं। और ये अच्छे से हमारा मैंने प्यूरी बना लिया इसका, और अब इसे मैं छान लूँगी। जो भी इसके रेशे हैं वो सारे निकल जाएंगे, और इसमें बहुत सारे फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन बहुत सारे होते हैं, और ये शरीर के लिए बहुत ही हेल्थी है। और ये मैं मिश्री ली है, मिश्री को मैं पीस कर, और ये मैंने 2 चम्मच मिश्री भी डाल दी है, क्योंकि गर्मियों में मिश्री खाना पेट की ठंडक के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये मैंने इसमें 1 गिलास पानी मिला दिया है और इसे अच्छे से घोल लिया। ये हमारा बेल का शरबत बनके तैयार है। आप चाहे तो इसमें बर्फ़ के टुकड़े भी डाल लो, मगर मैं बर्फ़ नहीं यूज़ करती। और ये हमारा बेल का शरबत बन गया।